हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेमचंद स्टडी जी के। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सभी सेनाओं के प्रमुख 2023। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, VR चौधरी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को मुख्यालय नई दिल्ली में आदर्श वाक्य महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करे। आदर्श वाक्य को भागवत गीता से लिया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, VR चौधरी वायुसेना के 27वें प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, RHRI कुमार। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल सतीश कुमार नामदेव गोरमड़े। नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य, जल के देवता हमारे लिए मंगलम हो। RHRI कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तलसेना के नए प्रमुख कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, मनोज पांडे भारतीय तलसेना के 29वें प्रमुख बने हैं। तलसेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य, सवे से पहले सेवा। 15 जनवरी को भारतीय तलसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का गठन 2020 में किया गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत। भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के पेशेवर प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष है। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पंकज सिंह। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो क्या है? जीवन पर्यटन कर्तव्य। BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में लाया गया। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा पर भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अविनाश कुमार। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, SSB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई। SSB का मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो, सेवा सुरक्षा और भाईचारा। सशस्त्र सीमा बल भारत का एक सीमा रक्षक बल है जो नेपाल भूटान के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुजोय पाल ताउसेन। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो, सेवा और निष्ठा, सेवा और वफादारी। CRPF की फुल फॉर्म, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शील वर्धन सिंह। नेक्स्ट है,
इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो संरक्षण और सुरक्षा, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एमए गणपति। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनएसजी की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट के रूप से जाना जाता है, गृह मंत्रालय के देख भारत की एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनिश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईटीबीपी की फुल फॉर्म इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट क्रॉप्स। स्थापना 16 जुलाई 1948 को, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने। एनसीसी के प्रतीक में 3 रंग होते हैं, लाल, गहरा नीला और हल्का पीला। ये रंग भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वीएस पठानिया। नेक्स्ट है आईसीजी की फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना 1 फरवरी 1977, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य हम रक्षा करते हैं। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अतिरिक्त महानिदेशक राकेश पाल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अतुल करवाल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरे की आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संजय चंदर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरपीएफ की फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। स्थापना 2 जुलाई 1872 को, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य सम्मान प्राप्त करें भारत के वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआर की फुल फॉर्म है असम राइफल्स। स्थापना 1835 को, मुख्यालय शिलांग मेघालय में। मोटो उत्तर पूर्व के प्रहरी। असम राइफल्स एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद का मुकाबला करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट है
एनआईए की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईबी की फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना 1887, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो हमेशा सतर्क रहे। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता, उद्यमिता, चमकता, सत्यनिष्ठा। सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। सीबीआई मूल रूप से रिश्वतखोरी और सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रोग के नए प्रमुख कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामंत गोयल। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोग की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिस विंग। स्थापना 21 सितंबर 1968, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो, कानून रक्षा करता जब उसकी रक्षा की जाती है। रो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीडब्ल्यू के महानिदेशक कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण प्रधान। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो सूचना परिवर्तन समन्वय इंटेलिजेंसी परिवर्तन समन्वय। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक भारतीय केंद्रीय कानून परिवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एजेंसी को नशीली दवाओं की तस्करी और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्जेक्ट की जाँच करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।